यस, आपको यहाँ करना क्या है कि यहाँ पर जितने भी यहाँ पर स्टूडेंट हैं, ठीक है, उनको क्या करना है, वर्ड फाइल भेजी है मैंने, अगर आपके सिस्टम में यानी कि आपके मोबाइल में अगर वर्ड फाइल के लिए कोई डॉक्यूमेंट के कोई रीड करने वाला पीडीएफ रीडर है, ठीक है, जैसे WPS अगर है तो वो फिर भी आपकी वर्ड फाइल एडिट नहीं करेगा, आप सिर्फ रीड कर सकते हैं, ठीक है। तो एडिट करने के लिए आपको एक वर्ड फाइल का आप चाहिए, MS वर्ड डाउनलोड करने से या कोई भी वर्ड का अगर आप एडिटिंग ऐप जानते हैं तो मोबाइल में डाउनलोड कर लीजिए, बिकॉज यू हैव टू एडिट दैट पीडीएफ जो मैंने भेजा, सिर्फ रीड नहीं करना है, उसको एडिट करना, ठीक है। कैसे एडिट करना है, जितने भी एक्सरसाइज के क्वेश्चन है उसको पूरा कॉपी करके आप एक नए वर्ड फाइल में पेस्ट करेंगे, ठीक है, ब्रांड न्यू वर्ड फाइल होगी, ठीक है, उस वर्ड फाइल का नाम, ठीक है, आप MRQ या फिर इंटरनल असाइनमेंट असाइनमेंट डाल देना बस, ठीक है, असाइनमेंट नाम डाल देना उस फाइल का, उस फाइल में सारे एक्सरसाइज के क्वेश्चन कॉपी करके पेस्ट करना और वहां पे सॉल्व करना, कैसे सॉल्व करना है वो वहां पे लिखा हुआ है, जितने भी क्वेश्चन फर्स्ट 1 to 20 क्वेश्चन जो है, 1 to 20 क्वेश्चन, उसमें सेंटेंस हो सकता है गलत है, हो सकता है सही है, कंफर्म नहीं है, गलत क्वेश्चन जो भी है सेंटेंस वहां पर भी गलत है, अगर लग रहा है आपको सही सेंटेंस पूरा का पूरा सेंटेंस सही करके नीचे लिखना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, 12, 13 यहाँ पर MCQ टाइप क्वेश्चन है, आपको ऑप्शन में 3 सेंटेंसेस 3 टाइप के गिवन है, उसमें से कौन सा सबसे ज्यादा ग्रामेटिकली सही है उसको टिक करना है, अगर टिक नहीं हो पा रहा है तो उसका कलर चेंज करना है, लेकिन कलर एक ही रहना चाहिए तीनों क्वेश्चन में, तीनों क्या पूरे वर्कशीट में, पूरे असाइनमेंट में आपका जो करेक्ट आंसर रहेगा उसका अगर आप कलर से लिख रहे हो तो वो कलर सेम होना चाहिए, ठीक है। किस कलर से लिखोगे वो आप डिसाइड कर सकते हो, दैट इज अप टू यू, बस विजिबल होना चाहिए, ऐसा नहीं कि येलो कर देना या लाइट पिंक कर देना कि दिखे ही ना, क्लिस्टर विजिबल में होना चाहिए, हाँ विजिबल होना चाहिए, और आप कोई भी एक कलर चूज करके वो पूरे पीडीएफ में जितने आंसर लिखेंगे सब एक ही कलर में लिखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट 14 to 15 सारे के सारे क्वेश्चन करेक्ट, फाइंड द एरर करेक्शन, ठीक है, एरर करेक्शन वाले क्वेश्चन है, इन सभी क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, एक ही तरह से सॉल्व करना है, आपके पास 4-5 ऑप्शंस हैं, सेंटेंस को 4 भाग में डिवाइड कर दिया गया है, पांचवा ऑप्शन आपका नो एरर का है, अगर किसी में नहीं है दैट मीन्स पक्का वहां पर एरर है, अगर किसी में ऑप्शन है नो एरर का तो हो सकता है कि वहां सेंटेंस करेक्ट है पूरा, ठीक है। 4 पार्ट में आपके सेंटेंस को डिवाइड कर दिया गया है, उसमें से जिस पार्ट में आपका एरर है वो पार्ट आपको खोजना है, उस पार्ट को आपको या तो अगेन टिक कर दो या फिर उसका कलर चेंज कर दो, ठीक है, या फिर और एक ऑप्शन है, अगर थोड़ा और मेहनत करना चाहते हो तो उसमें जो करेक्शन आप कर सकते हो, अगर आपको पता है कि क्या सही होना चाहिए तो नीचे अगेन उस क्वेश्चन का, जैसे क्वेश्चन नंबर 16 है तो आंसर 16 करके वो पूरा सेंटेंस सही करके लिख सकते हो, दैट इज टोटली अप टू यू, लेकिन आंसर मुझे सब एक ही कलर में चाहिए ताकि मुझे पता चले कि आपने क्या लिखा है, क्वेश्चन से थोड़ा डिफरेंट दिखे, और वो PDF आप ईमेल करेंगे मुझे akansha.cmh.in, ये ईमेल आईडी मैंने भेज रखी है, सेव करके रख लीजिए इवन फॉर द फ्यूचर असाइनमेंट, ठीक है, फर्दर फ्यूचर के लिए भी आपको जो भी असाइनमेंट मुझे भेजना होगा या जो भी आपका फाइल कुछ भी फोटो वगैरह भेजना होगा इमेज वगैरह, वो सारी चीजें आप मुझे सेंड कर सकते हैं इस ईमेल पर आकांक्षा, और सब्जेक्ट में जिस जो ईमेल भेजेंगे उसके सब्जेक्ट में आपका नाम, रोल नंबर, बैच और ईयर, ये 4 चीज पक्का रहनी चाहिए, क्योंकि ये असाइनमेंट मैं बहुत सारे ग्रुप में भेजूंगी और सभी ग्रुप में सेम असाइनमेंट मुझे सेम रिप्लाई बैक आएगा, तो आपका मिक्सअप नहीं होना चाहिए, चैट बॉक्स में शेयर कर देते हैं, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेट मी राइट इट डाउन हियर, ठीक है, ये आईडी मेरी है akansha@gmail.in, दिस इज माई ई मेल आई डी, ठीक है, एंड सब्जेक्ट में ये जो ई मेल भेजेंगे इसके सब्जेक्ट में क्या करना है आपको, सब्जेक्ट में लिखना है नेम, ठीक
कॉमा रोल नंबर, एंड जरूरी नहीं है कि नेम फिर आगे, जैसे यहाँ पे एक बच्चे का है एग्जांपल मैं ले रही हूँ, मैं अपना एग्जांपल ले लेती हूँ, ठीक है? तुम लोग नहीं तो फिर सीरियस ले लेते हो कि मैम मेरे नाम को लेके बोल दिए। नेम आकांक्षा ऐसे करके लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आकांक्षा, रोल नंबर 2552 जो भी है, फिर बैच BSCIT, ईयर 2021-24 ऐसे करके लिखना है, ठीक है? रोल नंबर, बैच एंड, बैच एंड ईयर, ईयर, ठीक है? ये चार चीज लिखनी है, इसका एग्जांपल मैं लिख के बता देती हूँ, इस तरह लिखना है, आकांक्षा कॉमा 24 कॉमा BSCIT कॉमा 2124, इस तरह करके आपको लिखना है। ये मैंने एग्जांपल दिया है, इस तरह करके आपको लिखना है अपना सब्जेक्ट में, जो ईमेल मुझे सेंड करोगे आप इसके आंसर में, उसमें सब्जेक्ट में इस तरह रहना चाहिए, ठीक है? चलिए, कोई डाउट नहीं है, देन मूव ऑन टू दिस क्लास, ठीक है? प्रोनाउंस पढ़ रहे थे, नहीं पढ़ते हैं आज, क्वेश्चन ही करते हैं थोड़े बहुत, ठीक है? कुछ क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे तो दिमाग में रहेगा कि कैसे सॉल्व करना है, क्या करना है, एंड लेट मी जस्ट कम अप। यस, ट्राई नॉट टू मेक नॉइज, ठीक है? बिना वजह आप लोग अपना जो माइक है वो म्यूट रखेंगे। एंड वन मोर थिंग, मैंने ये चीज नोटिस की है, आई वाज मेकिंग अटेंडेंस एंड आई वाज गोइंग थ्रू ऑल अटेंडेंस फ्रॉम डे वन, एंड आई हैव नोटेड डाउन दैट कुछ बच्चे ऐसे हैं जो आपका जो क्लास को अटेंड करते हैं, लेकिन क्लास कैसे अटेंड करते हैं, वो लोग अपना ऑडियो कनेक्ट नहीं कर रहे। इसका मतलब क्या हुआ कि ऑडियो नहीं कनेक्ट करने का मतलब ये नहीं हुआ कि मुझे उनकी आवाज़ सुनाई नहीं दे रही, ऑडियो कनेक्ट करने का मतलब ये हुआ कि आपको मेरी आवाज़ भी नहीं सुनाई दे रही, एंड दैट इज समथिंग। इसका इक्विवेलेंट ये है कि आप क्लास अटेंड ही नहीं कर रहे हैं, यू आर जस्ट हियर फॉर द अटेंडेंस। तो मैं आपको अटेंडेंस नहीं दूंगी इफ यू आर अटेंडिंग द क्लास इन दिस मैनर। अगर किसी का प्रॉब्लम है, नेटवर्क इशू है, बार बार रीज्वाइन होने के कारण आपका, जब मैं स्क्रीनशॉट ले रही हूँ तब आपका ऑडियो डिसकनेक्टेड दिखा रहा है, तो आप यहाँ पर चैट बॉक्स में मुझे लिख के बताएंगे कि मैम माय नेटवर्क इज अनस्टेबल एंड बिकॉज ऑफ दैट आई एम रीकनेक्टिंग, दैट्स व्हाई माय ऑडियो माइट बी नॉट कनेक्टेबल व्हेन यू आर टेकिंग द अटेंडेंस, ठीक है? तब आपको ऑडियो डिसकनेक्ट शायद हो सकता है दिखाए, ऐसा लिख के भेज देना, मेरे पास प्रूफ रहेगा, बिकॉज आई हैव टोल्ड यू वंस द रिकॉर्डिंग स्टार्ट योर चैट बॉक्स इज ऑल्सो बींग रिकॉर्डेड। तो मेरे पास ये प्रूफ रहेगा कि इस बच्चे का नेटवर्क इश्यू था, इसीलिए इसका ऑडियो डिस्कनेक्टेड है, इसीलिए मैंने इसको अटेंडेंस दिया है। अदरवाइज अगर आप बिना किसी प्रूफ के, बिना किसी एक्सप्लेनेशन के यहाँ पर ऑडियो डिस्कनेक्ट करके रखेंगे, दैट मीन्स यू आर नॉट अटेंडिंग द क्लास एट ऑल। तो इस केस में मैं आपको अटेंडेंस नहीं दे सकती, ठीक है? अगर आपका कोई फ्रेंड यहाँ पर आपको दिख रहा है, ठीक है, जो ऑडियो डिस्कनेक्ट करके बैठा है किसी भी रीजन से, अगर वैलिड रीजन है तो उसे बोलिए कि यहाँ पर चैट बॉक्स में लिख के मुझे बता दे, अगर वैलिड रीजन नहीं है तो उसे एक बार बता दीजिए, उसका अटेंडेंस नहीं लगेगा जस्ट बिकॉज ही इज लॉग्ड इन द क्लास विदाउट कनेक्टिंग द ऑडियो, तो वहाँ पर ऐसे अटेंडेंस नहीं मिलेगा। हो सकता है कि कुछ बच्चे जो हॉस्टल में रह रहे हैं, क्योंकि इसे ऐसा जेन्युइन केस हुआ है, कुछ बच्चे जो हॉस्टल में रह रहे हैं दे आर टेकिंग द क्लासेस टुगेदर, तो उनमें से कोई एक ऑडियो डिस्कनेक्ट रखता है ताकि वॉइस जो है इको ना करे। तो अगर ऐसा वैलिड केस है तो आप मुझे बता दे पहले, अदरवाइज मैं अटेंडेंस नहीं दे पाऊंगी आपको। ओके, लेट मी शेयर द स्क्रीन विद यू एंड देन वी कैन स्टार्ट द क्लास। बहुत डांट खा ली है आज घर के लिए, तो मेरे ख्याल से अभी आप सुधरे हुए बच्चों की तरह बिहेव करेंगे। ये क्यों नहीं शेयर हो रहा?
1 मिनट, शायद लिंक में कोई इशू आ गया है, शेयर नहीं हो पा रहा है। ओके, दिस इज नॉट शेयर, मुझे दूसरा कुछ शेयर करना पड़ेगा। ठीक है, आई एम शेयरिंग अगेन, बट यहाँ पर क्योंकि आंसर गिवन है नीचे, तो मैं पूरा सीन हो सकता है कि शेयर नहीं कर, बट लेट मी सी इफ वी कैन डू इट। एंड वन मोर थिंग, आपके जितने भी एक्सरसाइज के क्वेश्चन है, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आर एरर करेक्शन क्वेश्चन। ठीक है, तो एरर करेक्शन में आपको करना क्या होता है कि आपको स्पॉट करना है कि कहाँ पे एरर है, ठीक है, कहाँ पे एरर है ये आपको फाइंड आउट करना है। ये ऐसा शेयर नहीं हो पाएगा। ओके, लेट मी डू दिस। वी ऑलवेज हैव लॉट ऑफ ऑप्शंस, ठीक है, ऑप्शंस तो बहुत सारे हैं हमारे पास, बस फाइंड आउट करना होता है कि कौन। Yes, there you go. These are your questions. And again, कैसे आपको यहाँ पर सॉल्व करना है, you know very well. You have to first class से, that is all right. I will explain each and every question to you. ठीक है, कैसे सॉल्व करना है, क्वेश्चन सॉल्व करते करते आप सीख जाएंगे कि क्या एरर है, फाइंड आउट करना बहुत आसान होता है। यू डोंट नीड टू रिमेम्बर ईच एंड एवरी रूल टू सॉल्व द क्वेश्चन। कुछ क्वेश्चन होते हैं जहाँ पर माइनिट मिस्टेक के कारण आपको ग्रामर के रूल पता होने चाहिए। तो लेट्स लर्न थ्रू द क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है उस स्टूडेंट के लिए बता दूं जो नया ज्वाइन किया है। यहाँ पर जितने भी सेंटेंसेस आपको दिख रहे हैं ये 4 पार्ट में डिवाइडेड है, एक्चुअली 3 पार्ट में डिवाइडेड है। फोर्थ ऑप्शन इज योर नो एरर। 3 पार्ट में आपका सेंटेंस जो है वो डिवाइडेड है। डिवाइडेड होने का मतलब क्या हुआ, यहाँ पर इसे तोड़ दिया गया सेंटेंस को। आपको सेंटेंस रीड करना है और फाइंड आउट करना है कि किस पोर्शन में ग्रामेटिकल एरर है, ठीक है, कौन सा ऐसा पोर्शन है जहाँ पर एरर है और वो एरर जो है वो ग्रामेटिकल होना चाहिए, ठीक है, और उस पोर्शन को आप फाइंड आउट करके वो ऑप्शन जो रहेगा, जिस ऑप्शन में वो पोर्शन है वो ऑप्शन आपका आंसर है क्वेश्चन का, ठीक है। तो जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें अगर कोई ग्रामेटिकल एरर नहीं है तो आप ऑप्शन डी चूज करेंगे, दैट इज नो एरर। अगर कोई एरर है तो ए बी सी में से कोई भी आप चूज कर सकते हैं जहां पर एरर प्रेजेंट है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1, ऑर्डर हैज बीन इशूड फॉर हिज ट्रांसफर टू अनदर डिस्ट्रिक्ट बट ही हैज नॉट रिसीव्ड विद देम सो फार। ये आपका सेंटेंस है, इसमें क्या एरर है ये आपको फाइंड आउट करना है। मैम सी सी, ओके, anyone else? You can also write down the options in the chat box. ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि background में बहुत ज्यादा noise आ रहा है तो आप chat box में भी answer लिख के मुझे बता सकते हैं। Okay, yes. हाँ बिल्कुल, आप लोग मेरे को direct message कर सकते हैं, everyone में message करेंगे तो सबको दिखेगा, that is all right if you want to show everyone, that is totally up to you. बहुत बढ़िया, बहुत सारे मुझे आंसर मिलने चाहिए, ठीक है, द अटेंडेंस इज वेरी मच गुड इनफ, ठीक है, बहुत अच्छा खासा अटेंडेंस है आपका, तो मुझे अच्छे खासा आंसर भी मिलने चाहिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7। यस आयुष मैम, ऑर्डर हैव बीन होगा, हैज बीन के जगह। ओके, लेट्स consider that afterwards. I have seen all the answers from others. Okay, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Yes, approximately I have received 15 to 16 options.
आंसर्स फ्रॉम यू। चलिए बढ़ रहा है नंबर, कोई बात नहीं, जैसे जैसे आप कोई भी आईडी पे, दोनों आईडी पे जो फीमेल कॉलेज का दोनों आईडी दिख रहा है आपको, दोनों में से कोई पे भी आप भेज सकते हैं। आई एम लुकिंग एट बोथ द चैट बॉक्सेस। ओके अप्रॉक्स 20 आंसर आई हैव सीन हियर। ठीक है, और कोई आंसर करना चाहता है तो दे हैव मोर देन इनफ टाइम। ठीक है, लेट मी एक्सप्लेन इट हियर टिल द टाइम यू कैन चूज द ऑप्शन। ठीक है, देखो यहाँ पर क्या है, पहली बात तो व्हेन यू नो कि आपने अभी नाउन पढ़ा है, ठीक है, तो जितने भी क्वेश्चन यहाँ पर मैंने आपको दिए हैं दे आर बेसिकली बेस्ड ऑन नाउन ओनली, लेकिन नाउन से भी रिलेटेबल अगर एरर है तो जरूरी नहीं है कि नाउन में ही एरर हो। नाउन से रिलेटेड एरर होने का मतलब है कि नाउन के लिए जो प्रोनाउन लगा वो एरर हो सकता है, नाउन के लिए जो वर्ब लगा वो एरर हो सकता है, नाउन का जो सेंटेंस है उसके लिए जो आपका यहाँ पर नाउन का जो एरर है उसमें यहाँ पर और एरर हो सकता है कि नाउन के साथ जो टेंस लगना चाहिए वो करेक्ट नहीं है। तो एरर कैन बी रिलेटेबल टू द नाउन, बट बहुत सारा चीज यहाँ पर स्क्रीन शो नहीं कर रहा है। वन मिनट। अगर स्क्रीन नहीं शेयर हो पा रहा है एंड लेट मी शेयर इट अगेन, दोबारा शेयर कर देते हैं, कोई बात नहीं। अगर दोबारा शेयर करने पे भी नहीं दिखे तो दैट मीन्स द प्रॉब्लम इज फ्रॉम योर एंड। ठीक है, प्रॉब्लम आपके एंड से है, क्वेश्चन नहीं दिख पाना मेरे एंड से नहीं। तो अगर ऐसा कोई इश्यू है तो आप एक बार चेक कर लो। अभी दिख पा रहा है सबको? यस मैम। यस मैम, इट इज बिजी मैम। यस मैम, आ गया मैम। दिख रहा मैम। हाँ ठीक है, ओके। चलिए सबको दिख रहा है तो बाकी बच्चे जिनको अभी तक विजिबल नहीं था वो भी आंसर करें। क्वेश्चन नंबर वन आपका है, ऑर्डर हैज बीन इशूड फॉर हिज ट्रांसफर टू अनदर डिस्ट्रिक्ट बट ही हैज नॉट रिसीव्ड देम सो फार। आप लोग के लिए मैं एक मिनट और दे देती हूँ, जिन बच्चों के लिए स्क्रीन विजिबल नहीं था। यू हैव वन मोर मिनट एंड देन वी विल स्टार्ट डिस्कसिंग दिस क्वेश्चन। ठीक है, बाकी जो बच्चे हैं जो ऑलरेडी आंसर कर चुके हैं दे कैन ऑल्सो गो थ्रू विद देयर ऑप्शन टू कंफर्म देमसेल्फ। ठीक है, आप कंफर्म होने सही आंसर जब करोगे तो। अभी मैं टाइमिंग ज्यादा नोट नहीं कर रही हूँ क्योंकि अभी हमने बनाने क्वेश्चन स्टार्ट किए हैं, राइट। तो अभी मैं टाइमिंग बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दूंगी, बट कोशिश करिए कि कम से कम एक मिनट के अंदर आप एक क्वेश्चन सॉल्व कर लें। इससे क्या होगा कि इट माइट बी इजियर फॉर यू टू गेट इन द टोन। ठीक है, मतलब टाइम मेंटेन करना भी हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जरूरी होता है, स्पेशली व्हेन यू आर इन एप्टीट्यूड टेस्ट फॉर रिक्रूटमेंट। अगर आप किसी कंपनी में जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं वहां पर अगर आप कोई टेस्ट दे रहे हैं वहां पर आपको इंग्लिश सेक्शन के लिए, ठीक है, बहुत कम टाइम मिलता है बिकॉज आपका मेन फोकस रहता है एप्टीट्यूड और रीजनिंग सॉल्व करने में। तो अगर आपका इंग्लिश में स्पेसिफिक टाइमिंग नहीं है, ठीक है, मान लीजिए कि 20 मिनट स्पेसिफिकली इसके लिए दे दिए गए, तब तो अलग बात है, 20-20 मिनट आपने बांट दिए तीनों सेक्शन में। अगर आपका स्पेसिफिक नहीं है कि इतना मिनट आपको इसी सेक्शन में देना है, तब आपके पास बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी रहती है। अगर आपने इंग्लिश के क्वेश्चन विद इन 10 मिनट सॉल्व कर दिया है, आपके पास एक्स्ट्रा 10 मिनट रहेगा जो आप एप्टीट्यूड और रीजनिंग में दे सकते हैं, जो कि ऑब्वियसली बात है कि उसमें ज्यादा टाइम लगता भी है। ठीक है, यू हैव टू सॉल्व द आंसर्स फॉर एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग। यहाँ पर क्या है कि यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन इफ यू प्रैक्टिस इनफ, इफ यू लर्न इनफ, यू आर एबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन विद इन 30-45 seconds। 30-45 seconds में आप इस टाइप का एक क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे अगर आप प्रैक्टिस करें और अगर आप नॉलेज गेन करें। चलिए, तो बहुत सारे बच्चों ने आंसर कर दिया है, सो लेट्स मूव ऑन टू द आंसर। कि क्या आंसर यहाँ पर होगा, सबसे पहले तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। जिसने भी ऑप्शन सी चूज किया दैट इज वेल एंड गुड, लेकिन एरर क्या है यहाँ पर
बट ही हैज नॉट रिसीव्ड देम. देम जो होता है दैट इज प्लूरल एंड ओनली यूज्ड फॉर अ सिंगुलर पर्सन व्हेन योर जेंडर इज नॉट स्पेसिफाइड. उसके अलावा आप कभी भी किसी भी सिंगुलर चीज के लिए देम यूज नहीं करते. तो यहाँ पर अगर आप ऑर्डर के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, या आप ट्रांसफर के बारे में बात कर रहे हैं, दोनों ही चीज यहाँ पर सिंगुलर है. जो एक्शन हो रहा है वो भी सिंगुलर है, जो ऑर्डर है वो भी सिंगुलर है. तो उसके लिए यहाँ पर ही हैज नॉट रिसीव्ड इट सो फार, आई टी इट लगेगा. ठीक है, क्वेश्चन नंबर वन क्लियर. किसी को कोई डाउट क्वेश्चन नंबर वन में? किसी को भी कोई डाउट किसी भी तरह का? चलिए नहीं है तो लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर टू. सेम सिमिलर वे में आपको आंसर करना है. ऑल्दो शी हैज स्टडीड इंग्लिश फॉर ऑलमोस्ट अ ईयर, शी इज येट टू लर्न द अल्फाबेट. यस, अब इसे क्या करोगे कि आंसर जब करोगे तो ट्राई करना कि क्वेश्चन का नंबर भी लिखो. सुमित, आई डोंट थिंक यू आर ऑडिबल क्लियरली. अगर आपने ऑप्शन बोला तो एक बार रिपीट कर दीजिए, कौन सा ऑप्शन चूज किया आपने? सी मैम. ओके, चलिए. ओके, कोई बात. हाँ, क्वेश्चन इतना लंबा लिखने की जरूरत नहीं है. ओनली टू सी करके या फिर टू बी करके जो भी ऑप्शन आप चूज कर रहे हो, टू नंबर बस लिख दीजिए ताकि मुझे पता चले कि आप क्वेश्चन नंबर टू के लिए आंसर कर रहे हैं. ओके, आई हैव 10 एंड हियर इट इज. आई थिंक सब कोई एवरी वन में ही आंसर कर रहा है. तो अभी तक मेरे पास 10 क्वेश्चन, 11 आई थिंक 11 आंसर्स मेरे पास अभी तक आए. 11 एंड 12 एंड 13, 14, 16. Yes, keep answering. That is all right. Repeat कर रहे हो, answer same answer दे रहे हो, कोई बात नहीं. या फिर गलत भी answer दे रहे हो तो भी कोई बात नहीं. जो लग रहा है, जैसा लग रहा है, you can just write it down. चलिए बहुत बढ़िया, सब कोई answer same कर रहा है basically. तो मुझे बताएगा कौन कि इसमें क्या error है, correct करके कौन बताएगा? Yes, मैम इधर अल्फाबेट नहीं होगा, अल्फाबेट होगा. यस, वेरी गुड अंशु. आई बिलीव योर आंसर इज सेम. अंशु बच्चे आपका आंसर सेम है. रोल नंबर 18 अंशु कुमार. यस, तो इफ यू हैव द सेम आंसर. ऋषभ आपका भी आंसर सेम है और डू यू वांट टू से समथिंग डिफरेंट? Yes, ma'am, same. हाँ, तो सेम आंसर है तो यहाँ पर सही आंसर है. अल्फाबेट का मतलब होता है जितने भी आपके लेटर्स हैं, ए से जेड तक जितने लेटर हैं, उनको एक लेटर को, ए को लेटर कहा जाता है. सारे जितने भी हैं अल्फाबेट में आपके, उन सभी को लेटर्स कहा जाता है. तो जब आप लेटर्स बोल रहे हो दैट मीन्स आप 26 के बारे में बात कर रहे हो. अल्फाबेट उन सभी को मिला के बोला जाता है तो वो सिंगुलर ही रहेगा. ठीक है, इट इज अ ग्रुप ऑफ लेटर्स. हाँ बोलो बच्चे. मैम हम इतना छोटा छोटा गलती नहीं देख पा रहे, हमको सब में नो एरर ही लग रहा है. लग रहा है जैसे कुछ कुछ गलत है ही नहीं. कोई बात नहीं, पढ़ते रहो. ठीक है, जरूरी नहीं है कि आप एक दिन में सीख जाओगे गलती निकालना. ठीक है, बहुत सारी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, लेकिन ध्यान दीजिए. ठीक है, जो गलती आपने नहीं खोज पाए पिछले क्वेश्चन में, उसे अगले क्वेश्चन में खोजने का कोशिश करिए. नहीं मिल रहा है तो कोई बात नहीं, एक दिन नहीं मिलेगा, 10 दिन नहीं मिलेगा, 30 दिन नहीं मिलेगा, कभी ना कभी तो प्रैक्टिस हो ही जाएगा. ठीक है, नहीं कर पा रहे हो उसका एक ही इलाज है कि यू हैव टू प्रैक्टिस मोर. ठीक है, ओके. तो यहाँ पर आपका, जैसे मैंने बताया कि अल्फाबेट का मतलब होता है वो कलेक्शन ऑफ 26 लेटर. ठीक है, तो अगर आप उनको लेटर्स बोल रहे हो तब आप वहां पर लिखोगे क्या? प्लूरल में लिखोगे लेटर्स. ठीक है, अगर आप अल्फाबेट बोल रहे हो दैट मीन्स को पूरा कलेक्शन रेफर कर रहे हो. तो यहाँ पर अल्फाबेट आएगा, अल्फाबेट्स नहीं. सो आई कैन सी दैट देयर आर स्टूडेंट्स हु आर आंसरिंग द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑल टुगेदर
ठीक है, बाकी भी स्टूडेंट आप क्वेश्चन नंबर थ्री आंसर करना स्टार्ट कर सकते हैं इफ यू वांट. क्वेश्चन नंबर थ्री इज देर आर टू स्कोर्स ऑफ बुक्स विच आर लाइंग अनयूज्ड इन लाइब्रेरी. मैम ऑप्शन ए स्कोर्स की जगह पे स्कोर होगा. ओके यस एनीवन एल्स. यस आयुष. यस मैम स्कोर्स की जगह स्कोर होगा. स्कोर होगा ओके. Yes, I can see most of you are answering. जो भी आंसर करना चाहते हैं लेकिन आंसर ठीक है, कोई इश्यू नहीं है. आप सेम आंसर भी कर रहे हैं तो आंसर करते रहिए, आंसर गलत भी कर रहे हैं तो भी ट्राई करते रहिए. दैट इज द ओनली थिंग दैट यू कैन कम अप हियर. ओके ओके चलिए, तो बहुत बच्चे आंसर ऑलरेडी कर चुके हैं और बहुत बच्चे मूव ऑन कर रहे हैं. ठीक है, तो पहली बात मैं ये बता दूं कि जो बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं बच्चे लेट देम आंसर वन क्वेश्चन. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप आंसर करेंगे आपका आंसर जो रह जाएगा मिक्सअप के बीच में ही रह जाएगा, तो फिर वो नोटिस नहीं हो पाएगा कि आपने आंसर किया कि नहीं किया. ठीक है, तो लेट द वन क्वेश्चन बीइंग सॉल्व एंड आफ्टर दैट यू कैन आंसर करेक्टली. तो क्वेश्चन थ्री जो है वहां पर क्या एरर है. यस, तो यहाँ पर जो एरर है आपका दैट इज इन फर्स्ट ऑफ ऑल इट द एरर इज इन ऑप्शन ए. ठीक है, और ऑप्शन ए में यहाँ पर क्या एरर है, देयर आर टू स्कोर्स ऑफ बुक. तो यहाँ पर मुझे बताइए स्कोर किसके लिए यूज होता है. एक से ज्यादा होता है, एक से ज्यादा क्यों नहीं, ऐसे आईएस लगा देते हैं. व्हाट डज स्कोर रिप्रेजेंट हियर, कैन एनीवन टेल मी. एक से ज्यादा क्या बुक. यस मैम. ओके मैम स्कोर इन बेस ऑफ द स्कोर्स, स्कोर में एस जो है वो नहीं होगा इसे प्लेस के लिए बोल रहे हैं. पता चल रहा है वो मुझे पता है, लेकिन यहाँ पर स्कोर क्यों यूज हुआ है मुझे ये जानना. व्हाई इज स्कोर यूज्ड इन हियर. एक्सक्यूज मी मैम. मैम क्योंकि यहाँ पर टू लिखा हुआ है. वन मिनट एक एक करके बोलिए. मैम स्क्रीन आपका शेयर नहीं हो पा रहा है. यस ब्लैक हो जा रहा है मैम, मतलब कुछ दोबारा से मैम ज्वाइन करता हूँ तो बस शो करता है, उसके बाद फिर ब्लैक हो जाता है मैम स्क्रीन पूरा. मेरा तो सही है, कुछ नहीं हो रहा है. मेरा भी सही है, हम लोग का सही है, नहीं दिख रहा है. आप वन मिनट, जिसका नहीं दिख रहा है वो क्या दोबारा से ज्वाइन हुए हैं मीटिंग में. यस मैम. यस मैम तीन बार ज्वाइन हो चुके थे. मैम ज्वाइन हुए मैम, लेकिन फिर से मैम पता है लोडिंग ले रहा है, दोबारा से खुल नहीं रहा है, सिर्फ लिख रहा है कि स्टार्ट हो रहा है, स्टार्ट हो रहा है, बस खुल नहीं रहा है. तो बच्चे मैं दोबारा से अगर स्क्रीन शेयर करती जाऊंगी तो फिर तो आपको वही हो जाएगा ना, आप फिर से लॉग इन करेंगे तो फिर. यस मैम अब आ चुका है. आप एक बार वेट कर लीजिए. ठीक है, थोड़ा टाइम लगता है अपलोड होने में, तो दोबारा से जब आप लॉग इन करते हो तो फिर से वो पूरा स्टार्ट हो रहा है. ठीक है, तो अगर वैसा ही रह रहा है तो आपको वेट करना पड़ेगा. ठीक है, ठीक है, अगर वेट करने के बाद 5 मिनट बाद वेट करने के बाद भी नहीं दिखा रहा है तो डू वन थिंग, उसको एक काम करो तुम लोग. आई एम शेयरिंग इट अगेन. और यहाँ पर जितने स्टूडेंट अभी प्रेजेंट हैं, ठीक है, डू वन थिंग, ये जो क्वेश्चन है इसका स्क्रीनशॉट ले लो. तो स्क्रीनशॉट लेके रख लो. अगर आपका नेटवर्क इश्यू बार बार हो रहा है तो मैं दोबारा शेयर तो नहीं कर पाऊंगी, हर बार शेयर करूंगी तो फिर उसी में टाइम चला जाएगा. यस मैम ले लिया स्क्रीनशॉट. हाँ
हाँ स्क्रीनशॉट लेके आप अपने पास रख लीजिए क्या होगा कि आपको। हाँ चलिए तो यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है यहाँ पर देखो स्कोर इसलिए यूज हुआ है देर आर टू स्कोर्स ऑफ बुक्स विच आर लाइंग अनयूज्ड इन लाइब्रेरी। स्कोर का मतलब क्या होता है ये मैं पूछना चाह रही हूँ कि डज एनीवन नो व्हाट डू यू मीन बाय स्कोर। स्कोर यहाँ पर क्यों यूज हुआ स्टैक बोल सकते हैं बुक्स का स्टैक क्या स्टैक बुक को एक, हाँ, एक के ऊपर एक करके रखा हुआ है वो स्टैक ही बोला जाएगा ठीक है। यस पवन बोलिए मैम यहाँ पे स्कोर का मतलब क्या अंक 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 नहीं होता देखो स्कोर का मतलब होता है व्हेन यू आर रेफरिंग टू नंबर 100 जब आप 100 नंबर एक साथ रेफर करते हो ठीक है तो जैसे आपका 10 साल को एक साथ डिकेड बोलते हैं तो 100 साल को एक साथ स्कोर बोलते हैं तो स्कोर का मतलब होता है जब आप 100 नंबर को एक साथ किसी ग्रुप के लिए रेफर कर रहे हैं। तो यहाँ टू स्कोर्स ऑफ बुक का मतलब ये हुआ कि 200 किताबें उस लाइब्रेरी में बिना यूज के रखी हुई है ठीक है। तो जब आप स्कोर रेफर कर रहे हो तो यहाँ पर ऑलरेडी 100 लिख रहे हो यानी कि ऑलरेडी ये प्लूरल फॉर्म में है प्लस जब 2 आपने आगे लगा दिया तो आप 200 लिख रहे हो ये नंबर भी आपको समझ में आ रहा है तो इसकी वजह से यहाँ पर स्कोर की जगह कोर्स की जगह स्कोर आएगा। एस इसीलिए नहीं लगता है क्योंकि स्कोर का मतलब होता है दैट इट रिप्रेजेंट अ नंबर डिजिट 100 ठीक है। जब मेजरिंग में देखो यहाँ पर स्कोर ऑफ बुक का मतलब क्या हुआ कि स्कोर किताबें राइट स्कोर की किताबें तो यहाँ पर स्कोर जो है वो कोई ना ही कोई वर्ड रिप्रेजेंट कर रहा है और ना ही यहाँ पर कोई मार्क्स रिप्रेजेंट कर रहा है ठीक है। स्कोर यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है 100 ठीक है। इस तरह का कहीं भी आप अगर देखोगे तो उसका मतलब समझ लेना कि 100 हो गया ठीक है। ओके चलिए तो क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं और जितने बच्चे हैं जिन्होंने पहले आंसर कर रखा है क्वेश्चन नंबर 4 का वो और एक बार कर देना ताकि मुझे पता चले कि क्वेश्चन नंबर 4 का किसने आंसर किया अदरवाइज वो 3 में जितने लोगों ने किया है उसके बीच में आपका आंसर रह गया सही। अरे तो यहाँ पर इसमें 6 एंड यहाँ पर अच्छा यहाँ एवरी वन से कर रहे हो तब तो फिर 7-8-9 ठीक है 10 आंसर तो यहाँ से हो गए। यस आयुष यस मैम बी में मिसचीफ्स की जगह मिसचीफ होगा एस नहीं लगेगा मैम। यस मैम बी इज द राइट आंसर। ओके हाँ आयुष राज रोल नंबर 39 यस मैम मिसचीफ होगा मिसचीफ्स की जगह ठीक। तो यहाँ पर सेंटेंस क्या है लेट मी रीड इट फॉर अदर्स टू नो द चिल्ड्रन आर प्रोन टू मेक मिसचीफ इफ दे हैव नथिंग टू डू ये आपका सेंटेंस है ठीक है। इसका मतलब भी मैं समझा देती हूँ इसका मतलब ये है कि बच्चों को अगर हमने कुछ करने नहीं दिया या फिर उनके पास कुछ करने के लिए नहीं है ठीक है तो वो ज्यादातर बदमाशी करने की ओर चल जाते हैं ठीक है। यहाँ पर प्रोन का मतलब होता है कि दे मतलब उन्हें जबरदस्ती तो नहीं मतलब उन्हें वहां पर उनका ध्यान ज्यादा जा रहा है ठीक है। प्रोन का मतलब होता है दे आर प्रोन टू मेक मिस्टेक का मतलब वो ज्यादातर मिस्टेक्स करेंगे प्रोन टू मेकिंग मिस्टेक्स मतलब वो ज्यादातर परेशान करेंगे अगर उनके पास कुछ करने के लिए नहीं है ठीक है। ओके सो मोस्ट ऑफ यू आर आंसरिंग ऑप्शन बी विच इज करेक्ट और मिसचीफ की जगह मिसचीफ होना चाहिए क्योंकि मिसचीफ एक ऐसे नाउन में से है जो कि प्लूरल फॉर्म में नहीं आता है। मिसचीफ का मतलब होता है परेशान करना या बदमाशियां करना तो ये ऑलरेडी प्लूरल फॉर्म में है तो उसके लिए एस लगाने की जरूरत नहीं है। नाउ यू कैन स्टार्ट आंसरिंग क्वेश्चन नंबर 5 शीप्स आर इकोनॉमिकली यूज Full and so they are reared in the hill. Sorry, hill. Hmm.
ओके आई डू हैव सो नंबर ये 5 का सिप होगा ओके क्या होगा सिप ये सिप लिखा हुआ है ना सिप एस नहीं हो सकता ये ऑप्शन नंबर अच्छा आयुष यस मैम सिप के जगह सिप होगा ओके अंशु आई बिलीव योर आंसर इज सेम नो मैम दे आर रीड के जगह दे हैव होगा मैम दे हैव रीड ओके ऑप्शन ए सिप मैम नो एरर मीन सिप के जगह मैम सिप एक बार काफी है बच्चे यू हैव सेड वंस दैट मींस आई हैव हर्ड ठीक है एक बार बोल दिए तैसे से ना बार बार आपको रिपीट करने की जरूरत नहीं है ओके 15 एंड हियर 5 सो आई बिलीव आई हैव 20 अप्रॉक्स मोर देन 25 आंसर्स चलिए ठीक है तो इसमें क्या एरर है किस ऑप्शन में एरर है तो ऑप्शन जो है आपका जो यहाँ पर गलती है दैट इज पहली बात तो ऑप्शन जो यहाँ पर गलत है आपका दैट इज ऑप्शन ए ठीक है ऑप्शन ए जो है दैट इज यहाँ पर वो गलती है और उसमें क्या गलती है यहाँ पर शीप्स की जगह व्हाट इज द मिस्टेक है हाँ शीप नहीं होता शीप जो है वो कुछ एनिमल्स में से है जिनका आप नाम जो है कभी भी प्लूरल फॉर्म में नहीं लिखते हैं जैसे फिश हो गया तो फिश को भी आप यहाँ पर फिशेस नहीं लिखते हमेशा फिश ही लिखते हैं तो शीप भी होता है ऐसा ही एनिमल होता है जिसको आप शीप नहीं लिखते हो ठीक है और रेयर्ड का मतलब होता है कि अपब्रिंगिंग ठीक है उन्हें हिल्स के पास वहां पर उनका ध्यान रखना रखा जाता है या उन्हें संभाल के वहां पर रखा जाता है ये रेयर्ड का यहाँ पर ये मीनिंग हुआ तो दे आर रेयर्ड मतलब उन्हें वहां पर पलाया बढ़ाया जाता है जो भी आप कहना चाहते हो व्हाट एवर यू आर रिप्रेजेंटिंग इन दैट सेंटेंस देयर ठीक है क्वेश्चन नंबर 6-7 शायद आपको पूरा नहीं दिख रहा है तो 6 तक आज कर लेते हैं टाइम भी ज्यादा नहीं बचा है आई हैव नॉट गॉन थ्रू द लेटर ओके I have not gone through the letter, so I am not aware of its content. Content के लिए contents हुआ. Content okay. And why is it not content? S क्यों लगेगा वहाँ पर? Can anyone explain it to me? आप बोल रहे हो कि वहाँ पर content की जगह contents रहेगा. So can you tell me why? जो लेटर है लेटर में तो बहुत सारे कंटेंट हो गए ना अलग अलग तो इसलिए उसके जगह कंटेंट होना चाहिए अच्छा. उसका बॉडी होगा उसका क्या बोलते हैं स्ट्रक्चर होगा तो इस वजह से अच्छा ठीक है और किसी का डिफरेंट आंसर है सेम आंसर यू हैव अ डिफरेंट आंसर हां ठीक है सेम आंसर है तो ठीक है अगर डिफरेंट है देन यू कैन स्पीक अच्छा लेट मी टेक द अटेंडेंस फ्रॉम द टाइम वी आर सॉल्विंग दिस यस बिल्कुल आंसर करते जाइए मुझे सबके आंसर यहां रिकॉर्ड भी हो रहे हैं सबके आंसर मुझे मिल भी रहे हैं And I'm going through कि कौन सा बच्चे आंसर कर रहे हैं कौन सा नहीं आंसर कर रहे हैं ठीक है कुछ बच्चे हैं जो मुझे दिख रहा है कि दे आर नॉट आंसरिंग दे आर जस्ट सिटिंग देयर या तो उनको डर लग रहा है कि उनका आंसर गलत हो जाएगा या फिर उनको लग रहा है कि सब सेम ही आंसर कर रहे हैं इसलिए नहीं आंसर करेंगे यस रोहित आई टी एस में एक आई टी एपोस्ट्रोफी एस दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है बच्चे आपका आवाज बीच में कट गया मुझे आईटी के अलावा और कुछ नहीं सुनाई दिया मैम आईटीएस एक एपोस्ट्रोफी के साथ लगता है एक आईटीएस जैसे यहां पे लिखा हुआ है दोनों के बीच में डिफरेंस अच्छा। क्या
बीच में डिफरेंस बहुत ज्यादा नहीं होता है, ठीक है, इनफैक्ट कुछ भी नहीं होता है. अपोस्ट्रोफी एस यहाँ पर इसीलिए हटा दिया गया बिकॉज इट्स जो है वो बहुत छोटा वर्ड है, ठीक है, तो उसमें आप अपोस्ट्रोफी लगाओ चाहे नहीं लगाओ, इट के आगे एस लगा रहे हो तो ये ऑलरेडी अंडरस्टूड होता है कि ये अपोस्ट्रोफी वाला ही एस है. तो यहाँ पर कुछ लोग जो है राइटिंग में वो लोग छोड़ देते हैं, ठीक है, राइटिंग में वो लोग ये चीज छोड़ देते हैं. इफ यू आर मेंशनिंग इट इन समथिंग यू आर राइटिंग, ठीक है, या फिर आप बोल रहे हैं या फिर आप ये चीज कहीं पर कैजुअल लैंग्वेज में लिख रहे हैं, ठीक है, तो आप यहाँ पर अपोस्ट्रोफी छोड़ दोगे देन इट इज ऑल राइट. क्योंकि इट के आगे एस लग जाना वो तो ऑब्वियसली बात है कि यहाँ पर समझ में आ रहा है कि अपोस्ट्रोफी है. लेकिन जैसे यहाँ पर जो वर्ड है चिल्ड्रन हो गया, तो यहाँ पर अगर मैं अपोस्ट्रोफी एस नहीं लगाती हूँ तो दोनों का मतलब अलग हो जाएगा. चिल्ड्रंस का मतलब हो जाएगा कि मैं उसको प्लूरल करने की कोशिश कर रही हूँ, ठीक है, जो कि गलत है. और अपोस्ट्रोफी एस लगा रही हूँ इसका मतलब कि चिल्ड्रन से बिलोंग करने वाला कुछ पोजेशन बता रही हूँ, ठीक है. जैसे यहाँ पर पर्सन हो गया, इसके आगे मैं एस लगाती हूँ मतलब एक से ज्यादा पर्सन हो गए, और अपोस्ट्रोफी एस लगाती हूँ इसका मतलब उससे बिलोंग कर रहा है, कुछ पोजेशन बताया जा रहा है. तो इट्स जो होता है वो ऑलरेडी आपको पता है कि वहां पर अपोस्ट्रोफी लगे चाहे ना लगे वो अपोस्ट्रोफी ही रहेगा, तो इसी वजह से यहाँ पर अपोस्ट्रोफी कई बार छोड़ दिया जाता है. ऐसा ग्रामेटिकली इनकरेक्ट नहीं है, इट इज जस्ट कन्वीनियंस टू राइट इट इन दैट फॉर्मेट, इसीलिए यहाँ पर छोड़ दिया गया है, ठीक है, सिर्फ कन्वीनियंस के लिए कि लिखने में आसान हो, हमें बार बार अपोस्ट्रोफी ना लगाना पड़े, लिखने में आसान है इसीलिए हमने यहाँ पर ऐसा कर दिया. ओके मैम. यस हाँ, रोल नंबर 52. यस मैम. मैम कि ऐसा होता है कि एस्ट्रोफियस के साथ एस हो तो ए इट इज के तरह यूज होता है और इट्स मतलब इसका ऑब्जेक्टिव केस की तरह यूज होता है. नहीं, वो उल्टा होता है जो वो आप बोल रहे हो, ठीक है. यस मैम. और वो दोनों ही एक्चुअली सेम है, ठीक है, दोनों का मीनिंग. अगर मैं इट इज लिख रही हूँ, ठीक है, तो इट इज कंटेंट नहीं हो सकता है, इट्स कंटेंट होगा मतलब उसका कंटेंट है, ठीक है. तो यहाँ पर दोनों सिमिलर मीनिंग कन्वे करता है. तो जहां पर आप अपोस्ट्रोफी एस लगा रहे हैं, ठीक है, वहां पर इट इज अगर लिख रहे हैं, ठीक है, इट इज अगर लिख रहे हैं तो दैट इज अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ दैट्स व्हाई, जैसे आप लिखते हो तो दैट इज व्हाई वाला शॉर्ट फॉर्म हो जाता है. तो वो भी सेम केस है, ठीक है. वहां पर अगर आप मिसस्पेल भी करते हो ना तो आप इट की इट इज की जगह इट लिख सकते हो, ठीक है. ओके वो आप स्पेलिंग में, क्योंकि देखो होता क्या है कि जब आप बोलते हैं ना तो चाहे वो अपोस्ट्रोफी वाला एस हो यानी कि पोजेशन वाला एस बता रहे हो या फिर इट इज वाला एस बता रहे हो, दोनों सेम साउंड करता है. तो उस केस में आप क्या करोगे ना, यहाँ पर आप जब बोल रहे हो तो उसमें कोई डिफरेंस पता नहीं चलता है लेकिन रिटन में पता चलता है. तो यहाँ पर राइटिंग में जब आप लिख रहे हो yes. तब आप ध्यान दो चाहे नहीं दो, वो आप अपने आप आपको पता चलेगा कि कहाँ पर इट इज लग रहा है, कहाँ पर पोजेशन वाला एस लग रहा है, ठीक है. yes. Yes. और ये कंफ्यूजन एक्चुअली यहाँ पर क्रिएट इसीलिए ना हो, ठीक है, इट्स यहाँ पर जो है इट इज वाला जो इट्स रहता है, और एक्चुअली बोल आप सही रहे हो, ठीक है, क्योंकि इट इज वाला जो एस रहता है अपोस्ट्रोफी वाला वो इट इज के लिए ही लगता है, और उसमें पोजेशन वाला कंफ्यूजन ना क्रिएट हो इसीलिए ये वाला जो इट्स है ना इसमें से अपोस्ट्रोफी हटा दिया गया, ठीक है, क्योंकि वो भी इट्स लगेगा और ये भी इट्स लगेगा तो दोनों में सब कंफ्यूज हो जाएंगे कौन सा वाला इट इज के लिए यूज हो रहा है और कौन सा वाला पोजेशन बताने के लिए यूज हो रहा है, तो इसीलिए यहाँ पर अपोस्ट्रोफी ड्रॉप कर दिया गया है. मैम ये डिसाइड कौन करता है कि कौन सा लगे या कौन सा नहीं लगेगा? ऑक्सफोर्ड, जहाँ से आपकी ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी आती है ना, सेम ऑक्सफोर्ड, दे डिसाइड. जिनकी बेसिक लैंग्वेज है, जिनकी फर्स्ट लैंग्वेज है, लाइक अगर हिंदी में कोई चेंज करना होगा तो वी विल बी द वन डिसाइडिंग, राइट, इंडिया डिसाइड करेगा. सेम केस, ब्रिटेन डिसाइड करेगा या ऑक्सफोर्ड डिसाइड करेगा कि इंग्लिश में क्या चेंज होना. यस, तो टाइम अप हो गया है. यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर बता देती हूँ. यस, सी ऑप्शन इज करेक्ट. एंड अगेन यहाँ पर कंटेंट की जगह कंटेंट लिखेगा यहाँ पर, लेकिन रीजन आपको मैं बता दूँ क्यों ऐसा होता है. कंटेंट का मतलब होता है कि अगर किसी बॉक्स में आपको उसके अंदर क्या रखा है
उसके अंदर की चीज के बारे में बताना है तब आप कंटेंट यूज करते हैं, ठीक है। कंटेंट ऑफ अ बॉक्स का मतलब कि उसके अंदर क्या रखा है, कंटेंट का मतलब या कंटेन का मतलब होता है कि उसमें क्या चीज इंक्लूडेड है, ठीक है। तो लेटर में क्या क्या लिखा गया है उसमें क्या चीज इंक्लूडेड है ये बताने के लिए आपको कंटेंट्स लिखना पड़ेगा या फिर कंटेंट्स लिखना पड़ेगा, ठीक है। कंटेंट लिखने का मतलब है कि उसके अंदर क्या है, जो कि आप अगर ध्यान दें तो लेटर के साथ मैच नहीं करता है। लेटर का अंदर क्या है, आपको हिंदी में लग रहा है कि दोनों सेम चीज है लेकिन इंग्लिश में उसका मतलब बदल जाता है इफ यू यूज इट फॉर अदर पर्पस, ठीक है। तो इफ आई से दैट कंटेंट ऑफ अ बॉक्स, दैट मींस बॉक्स के अंदर क्या है। कंटेंट ऑफ अ बॉक्स का मतलब कि बॉक्स किससे बना है ये भी हो सकता है, या बॉक्स क्या चीज का बॉक्स है ये भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर कंफ्यूजन ना क्रिएट हो इसीलिए हमने यहाँ पर अलग अलग कर दिया। कंटेंट का मतलब अंदर की चीज के बारे में बोल रहे हैं, कंटेंट या फिर कंटेन का मतलब ऑर्गेनाइजेशन है। ऑक्सफोर्ड इज एन ऑर्गेनाइजेशन, इट इज अ यूनिवर्सिटी, ठीक है। इट इज एन यूनिवर्सिटी, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। जैसे हमारा साइंस में रिसर्च होता है ना, तो रिसर्च कौन करते हैं, साइंटिफिक यूनिवर्सिटीज, दे रिसर्च। बेल लेबोरेटरी का नाम सुना होगा आपने, वहां पर रिसर्च बहुत ज्यादा चलता है। तो वो जो रिसर्च करते हैं वो साइंस में ऐड होता है, और ऑक्सफोर्ड जो है दैट इज फेमस फॉर योर इंग्लिश पर्पस, इंग्लिश लैंग्वेज। तो वहां पर लिटरेचर, इंग्लिश लैंग्वेज एंड अदर लैंग्वेज का भी कोर्सेस चलता है, लेकिन बिकॉज इट इज इन ब्रिटेन विच इज देयर फर्स्ट लैंग्वेज, इनका मदर टंग ही इंग्लिश है। तो वहां पर जो भी एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, जो भी चेंजेस होते हैं, दे कंसिडर ऑल द फैक्ट, ऑल द डाटा फ्रॉम कलेक्टेड फ्रॉम द सर्वे एंड ऑल, एंड देन दे मेक अ चेंज देयर, ठीक है। सो लेट मी टेक अ अटेंडेंस एंड देन वी कैन मूव ऑन फॉर द नेक्स्ट। एंड वन मोर थिंग, आपको आपको जो आंसर्स हैं, एंड म्यूट रखो बच्चे, म्यूट रखो, अदरवाइज अटेंडेंस छूट जाएगा आपका। वन मिनट म्यूट रखिए अभी अपने आप को, अदरवाइज अटेंडेंस यहाँ पर स्क्रीनशॉट में नहीं आएगा आपका। कीप योरसेल्फ म्यूट बच्चे, आप म्यूट नहीं रखेंगे फिर आप ऊपर नीचे यहाँ पर डिस्प्ले में हो जाएंगे तो आपका नाम छूट जाएगा अटेंडेंस पे। ट्राई नॉट टू मेक एनी नॉइज हियर। एंड वन मोर थिंग बच्चे, यहाँ पर मैं देख रही हूँ बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो डिस्प्ले नेम में रोल नंबर नहीं लिख रहे हैं। इफ यू डोंट हैव अ रोल नंबर, एटलीस्ट राइट योर आई डी नंबर, ठीक है। कम से कम आप आई डी नंबर लिखिए अपना डिस्प्ले नेम में। जूम का सेटिंग्स पे जाइए, वहाँ पर डिस्प्ले नेम का एक ऑप्शन आता है, राइट योर एटलीस्ट योर आई डी नेम इन दैट, ठीक है। बैच आई डी नाम लिख दीजिए, उससे पहचानने में आसानी होगी। ओके, इफ देयर इज नो डाउट आई विल एंड द क्लास। अगर डाउट है तो अभी पूछ लो। कोई डाउट है पर्टिकुलर, कोई डाउट है किसी को? मैम तो आप असाइनमेंट दिए बनाने के लिए, कब तक सबमिट करना है? यू हैव 7 डेज स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे। ओके मैम, थैंक यू। कहां पे सबमिट करेंगे मैम? बच्चे ईमेल दिया है मैंने अपना, लेट मी राइट इट अगेन, यहां पर मैं चैट बॉक्स में दोबारा लिख देती हूं, ठीक है। यस मैम। इस पे आपको सेंड करना है, ठीक है। एवरीवन प्लीज नोट डाउन, एंड यहाँ पर ये सेव करके रख लीजिएगा, मेरा बार बार नहीं मांगना पड़े आपको, ये सेव करके रख लीजिएगा। व्हेनेवर आई एम सेंडिंग एन असाइनमेंट टू यू और आपको मुझे सेंड बैक करना है तो इसी पे करना है, ठीक है। एनी अदर डाउट? हम असाइनमेंट नोटबुक में ही ना करना है कि... नोटबुक में नहीं उस करना दिन आप है थी, तो आप हम चाहो तो कोई बात नहीं, नोटबुक में अगर आप करना चाहो तो दैट इज टोटली अप टू यू, लेकिन फिर भी आपको इमेज मुझे यहीं सेंड करना होगा। तो बेटर है कि आप एक वर्ड फाइल में ही उसको एडिट करें, ठीक है, उससे आपकी राइटिंग स्पीड भी थोड़ी सी तेज होगी। मैम मोबाइल से ही तब करना पड़ेगा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो मोबाइल में एक ऐप डाउनलोड कर लीजिए, वो एमएस वर्ड डाउनलोड कर लीजिए, दैट इज आल्सो हेल्पफुल,
ठीक है, आजकल बहुत सारे काम आपको मोबाइल पे करने पड़ते हैं, तो ये आपके लिए हेल्पफुल है। ओके सही होगा, उसको प्लग करना है मैम। हाँ जो सही है उसको आप या तो कलर कर दोगे या फिर नीचे लिख दो जैसे कि करेक्ट सेंटेंस। ओके चलिए, देन आई होप एवरीवन साउट इज क्लियर। अगर नहीं क्लियर है तो मैं और एक बार इंस्ट्रक्शन दे दूंगी, अभी पहले सॉल्व करने की कोशिश करो उसको, ठीक है।